अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है जी। आई नो वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। और जनाब आपको सबसे पहले तो अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल अल्लाह ताला से दुआ है कि बहुत 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 अच्छा गुजरे। और हमें भी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे, अक्सा को और इनको। जनाब आप लोगों ने न्यू ईयर कैसा गुजारा, क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ गए, कहीं गए कि नहीं गए, और अगर गए तो किसके साथ गए, क्या किया, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा ज़ादा और एरम आरिफ, इन दोनों को मैं वेलकम कहता हूं और इनको भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, क्या किया, कहाँ गए। तो अक्सा और एरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शायान, कैसे हैं आप? और बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें वेलकम किया। और बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि तमाम लिसनर्स भी खैरियत से होंगे। और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब भी शो का सुनती हूँ तो आवाज़ मेरी बहुत अच्छी हो जाती है, मेरा गला जो है मेरा साथ देने लगता है। तो मैं अब चाहूँगी कि इरम जो है वो आए और अपनी आवाज़ मुझे सुनाए, हम सबको सुनाए बल्कि। थैंक यू सो मच शायान और अक्सा, एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि तमाम ही लिसनर्स ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अपने ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। तो जी लिसनर्स, मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत 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 हैप्पी न्यू ईयर, और शायान और अक्सा आप दोनों को भी बहुत बहुत नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। और शायान एक चीज़ मिस कर गए हैं जो उन्होंने अपने रिवायती जुमलों में नहीं बोली, और इसी तरह अक्सा ने भी वो चीज़ मिस कर दी, लेकिन मैं वो चीज़ मिस नहीं करूँगी। सो लिसनर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया है, वो तो शान पूछ ही चुके हैं, लेकिन आपने डिफरेंट क्या किया है इस साल में? आपने कुछ तो जो है वो सोचा होगा कि हम न्यू ईयर वाले दिन ये करेंगे या कुछ कुछ ऐसा करेंगे जो डिफरेंट हो, तो वो जरूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिएगा। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो है वो मैं भूली नहीं थी, लेकिन वो जुमला जो है ना मैंने और शायन ने आपके लिए छोड़ा था, कि आप आके खुद ही बताएं। थैंक यू सो मच, बड़ी नवाजिश आप लोगों की कि आप लोगों ने वो जुमला मेरे लिए छोड़ दिया कि मैं कुछ बोल तो लूं एटलीस्ट। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपका न्यू ईयर कैसा गुजरा? आपने, जैसे हम लिसनर्स से पूछ रहे हैं और हम अपने बारे में भी कुछ ना कुछ बताते हैं कि हमने ये इस तरह जो है वो सेलिब्रेशन किया है, तो आप भी जरा शेयर करें मेरे साथ, शायान के साथ और अपने लिसनर्स के साथ भी, कि आपकी न्यू ईयर वाले दिन क्या मसरूफियात थी, तो किस तरह आपने जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया? मेरा न्यू ईयर कैसा गुजरा? मेरा न्यू ईयर तो घर पर ही गुजरा और मेरी कुछ खास मसरूफियात नहीं थी, बस ऑफिस था और फिर कुछ यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स वगैरह थे, वो मुझे सबमिट करवाने थे। तो मैं हमेशा जिस भी शो में आती हूँ तो मैं कोई खास बात नहीं करती सिवाय अपनी पढ़ाई और अपने ऑफिस के बारे में। हाँ, अगर मैंने अभी कोई ट्रेनिंग की होती अभी तो... मैं आपको ये बात बोलने ही वाली थी कि अक्सर आप स्टडीज या फिर ऑफिस के अलावा भी कुछ कर लिया करें, मतलब आप हमारे लिसनर्स को यही बताती कि आप यही काम करते, कुछ डिफरेंट भी कर लिया करें, नया सांस था और आपने कोई डिफरेंट चीज नहीं की, यार हैरत है। तो जब फायरिंग वगैरह हो रही थी तो फिर जो है वो मैं उस टाइम पे सो रही थी और फिर जो है वो मुझे सोते सोते आवाजें आ रही थी, बस ये मेरी एंजॉयमेंट थी। जबरदस्त। और विशेष भी जो है वो मैंने सुबह ही सबकी देखी और रिप्लाई करने की भी हिम्मत थी, कुछ को मैंने कर दिया था और कुछ को मैंने जाने दिया, मैंने कहा चले कभी नेक्स्ट टाइम मौका होगा। और मेरे बड़ा शौक होता है कि मैं जो है वो फेसबुक पे पोस्ट लगाऊं और जो है वो स्टेटस लगाऊं न्यू ईयर का और काफी चीजों का, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती, या तो वो टाइम गुजर जाता और फिर जब टाइम गुजरता मैं कहती नहीं यार अब थोड़ा हो गया तो बस हो गया। जबरदस्त जबरदस्त चैलेंज, वेल एंड गुड, आपने जैसे भी सेलिब्रेट किया लेकिन किया तो। हाँ, देखिए सेलिब्रेशन तो जरूरी है, चाहे वो, हाँ सेलिब्रेशन जरूरी होती है, चाहे आप किसी भी काम में बिजी रहकर करो तो आपको ये याद होना चाहिए कि आज दिन क्या है, हर रोज एक नया दिन जो है वो खुदा हमें दिखाता है, तो उसके लिए बस हमें ये याद रखना चाहिए कि आज दिन क्या है और
आज तारीख क्या है, तो ये हम याद रख लें, ये बस यही काफी है। तो खैर अच्छा लगा आपने बताया। तो इरम आप बताएं कि आपका कैसा गुजरा? मेरा तो कुछ खास नहीं था, बहुत ही सैड है मेरा नया न्यू ईयर। ये और न्यू ईयर से दो दिन पहले ही जो है वो मेरी दादो की डेथ हो गई थी। तो मेरा तो कोई न्यू ईयर नहीं है, ना कोई तैयारी थी, ना कोई सेलिब्रेशन था, ना कुछ था। बस घर में बहुत सारे मेहमान थे, रश था, और फिर काम काज में और मेहमानों को देखने में, और फिर यही अफसोस वगैरह करने के लिए लोग आ रहे थे। हमारे अपने बहुत सारे गेस्ट थे जो हमारे घर पे स्टे किए हुए थे 3-4 दिन तक। तो खासी मसरूफियात रही हैं, तो मेरा तो कुछ खास ये न्यू ईयर नहीं था। बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। हाँ, लेकिन चलें अल्लाह ताला जो है वो आपको सबर अता करे। बस खुदा और हाँ बिल्कुल भाई, आमीन। मैं जरा थोड़ा सा मसरूफ था, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्यों मसरूफ था। कि मैं आप लोगों के लिए कमेंट्स देख रहा था, हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं उन्होंने क्या क्या कमेंट किए हुए हैं, तो वो मैं चेक कर रहा था। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि अभी इरम ने एक जुमला अदा किया है, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं उसकी टांग ना खींचूं, लेकिन जुमला ये था कि मेरा नया न्यू ईयर तो नया ही होता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला उनकी तो मगफरत करे और उसके बाद फिर आप घर वालों को सब दे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो हमने लास्ट शो किया था अपना 2020 का, उसमें हमारे पास अलिया का कमेंट आया हुआ है कि जी नाइस शो एज यूजुअल और अल्लाह ब्लास्ट यू। ठीक है, उन्होंने लिखना था क्योंकि वो मीरा साहिबा जो मीरा साहिबा थी ना हमारी, तो अल्लाह ब्लास्ट यू ने बोला। इसी तरीके से अबीरा सिद्दीकी है, वो भी यही कह रही है कि जी मैं आपकी रेगुलर लिसनर हूँ बट साइलेंट, तो अबीरा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें सुनती हैं, लेकिन अगर आप हमें पहुंचा देंगी अपना मैसेज तो हमें भी थोड़ा सा हौसला होता है कि हाँ यार कमेंट भी कर रहे कोई, तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कर दिया करें। हमारे साथ जो है वो अहमर इकबाल के कमेंट्स थे, उन्होंने कहा था कि अक्सा शायान इरम वेल्डन और गॉड ब्लेस यू, और एक कमेंट में उन्होंने कहा था योर शो इज वेरी नाइस। तो थैंक यू सो मच अहमर, आप भी हमें रेगुलर सुनते हैं और मुझे बेहद खुशी होती है कि हमारे लिसनर्स जो है वो हमें रेगुलर बेस पे हमारा शो सुनते हैं और हमें काफी फीडबैक भी अच्छा मिलता है। तो जब आप लोगों के फीडबैक्स हम पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हम जो है वो हमारी हिम्मत और बढ़ती है और हम चाहते हैं कि हम मजीद अपने लिसनर्स के लिए कुछ अच्छा से अच्छा करें, ताकि हमारे लिसनर्स जो हैं वो हमें सुने और इंजॉय करें। तो शायान आपके पास कोई और कमेंट्स हैं? वैसे तो मैंने जब शो अभी लास्ट टाइम देखा था, अभी परसों तरसों, तो काफी सारे कमेंट्स थे, लाइक हीरा जी हमारे पास अहमर साहब ने तो हमें न्यू ईयर भी विश किया था, तो अहमर साहब हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू, और साथ में हमारे साथ सबा नाज थी, उन्होंने कहा था जी ऑसम शो नाइस शो, और वो भी हमारे शो में आना चाहती हैं, तो सबा बिल्कुल आप मोर देन वेलकम है, आप हमारे शो में जरूर आएं। और सबा ने इस तरह कहा था कि शायान आप हमें अपने शो में कब बुला रहे हैं, तो शायान आप ना अपना मदरसा दोबारा से स्टार्ट कर लें न्यू ईयर पे। न्यू ईयर आ गया है, नहीं हमारा मदरसा न्यू ईयर से पहले स्टार्ट हुआ है। नहीं वो तो हमने पास कर लिए, करा दिए ना, भाई ठीक है ना, तो अभी स्टार्ट है भाई, स्टूडेंट आएंगे तो हम उसको इनरोल करेंगे ना, तो स्टूडेंट मोर देन वेलकम। सबा आप आइए बिल्कुल हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, हमें आप हमारे साथ शो कीजिए, और साथ साथ इन्होंने न्यू ईयर भी विश किया हुआ, तो जनाब मैं उन सबको भी न्यू ईयर विश करता हूँ जिन्होंने विश किया है, अल्लाह ताला उनका भी साल खुशियों से भर दे, वो खुशो खुर्रम रहे, शादो आबाद रहे पूरे साल, आमीन आमीन। हाँ जी लिसनर्स, तो शायान की तरह मैं भी उनको कहना चाहूंगी, जिन जिन लोगों ने हमें विश किया, तो आप लोग उनको भी हमारी तरफ से सेम टू यू। अच्छा उसामा कासिम साहब भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जी मेरा साल अच्छा नहीं गुजरा, तो भाई मेरे प्यारे ब्रदर ब्रो, ये जो पिछला साल था वो तकरीबन किसी का भी अच्छा नहीं गुजरा था, लेकिन अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि आने वाला साल पिछले साल सा ना हो। तो अच्छा मैं आप लोगों को भाई एक बात बताने लगा, और ताकि आप लोग बाद में शिकवा ना करें, तो मैंने मार्च में ना प्लान किया हुआ है नॉर्दर्न साइड पे जाने का, तो मैंने आपको देखा जनवरी में बता दी है, इससे पहले कि
देर हो जाए, अगर आप लोगों ने मूड बनाना है तो बना लें, हम जाएंगे दोस्तों के साथ मिल मिला के, तो खूब इंजॉय करने जाएंगे। या तो हो सकता है नॉर्दर्न साइड पर चले जाएं या फिर गोरख हिल चले जाएं। तो इरम आप तैयारी कर लें अगर जाना है। ठीक है, जरूर जरूर जरूर, आप जब बोलेंगे हम उस वक्त तैयार हो जाएंगे। आपने बता दिया, आपका यही बड़ा एहसान है शायान। आपकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है, तो भाई ये बताएं कि आप कुछ मेडिसिन वगैरह ले रही हैं या घरेलू टोटके पे गुजारे कर रही हैं? नहीं नहीं, डॉक्टर के पास गई थी मैं, अब माशाल्लाह काफी बेटर हो गई हूँ। और इसके अलावा जो है वो मेरे पास कमेंट था, मैंने कहा कि आप लोग खामोश होंगे तो मैं बताऊंगी, सर बाप भी आपको पता है कि हमारे रेगुलर लिसनर हैं, और तो उन्होंने भी जो है हमें हैप्पी न्यू ईयर कहा है, और जो है उनको भी हमारे जो दोनों लास्ट हमारे शो गए लास्ट ईयर उनको बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सारा लोगों ने जो है वो हम सबको जो है वो हैप्पी न्यू ईयर कहा है, हम सबको दुआएं दी, अल्लाह ताला आप सबको जो है खुश रखे, जैसे इरम और शायन ने कहा। और नॉर्दर्न एरियाज के बारे में शायन ने बताया, सो मेरा भी कुछ प्लान बन रहा है कि भाई हमें शायन की तरह कुछ ना कुछ कोशिश करना चाहिए। इरम और वैसे भी अक्सर हम तो कहीं जाते भी नहीं है, लेकिन इस दफा हम जो है वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ जाएं ताकि हम भी घूमें। चलिए एक काम करते हैं ना कि भाई हम लिसनर्स से भी पूछ लेते हैं कि अगर वो इस साल कहीं प्लान करें कि आउटिंग के लिए कहीं जाने के लिए, तो वो किन किन जगहों पर जाना पसंद करेंगे। तो लिसनर्स आप लोग हमारे शो को सुनिएगा, और जब सुनेंगे तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे। मैं तो नारायण कगान की साइड पे घूमने जाऊंगा, तो इरम भी जाएंगी। जाएंगी ना, जाएंगी ना, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे जाएंगे। तो लिसनर्स आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा बंदा, कौन सी बंदी, कौन सा हमारा भाई, कौन सी हमारी बहन हम कहाँ जाना चाहती हैं, जानना चाहता है, चाहती हैं, चाहता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपके जब हम नेक्स्ट शो में कमेंट्स पढ़ रहे होंगे तो बताएंगे भाई कि किसने कहाँ कहाँ घूमने की फरमाइश की है। हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि भाई किसके साथ, मैंने कोशिश की है, मैंने बता दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो आप लोग भी बताइएगा कि किसके साथ घूमने, कौन समवन स्पेशल है जो कि आपके साथ उस ट्रिप पे टूर पे होगा। ठीक है इरम, दैट्स ग्रेट, अच्छा क्वेश्चन है शायान आपका। हाँ, आप सोच लें क्योंकि मैं भी दोस्तों के साथ ही जाऊंगी। तो शायान आप भी तो बताएं ना, आपने न्यू ईयर वाले दिन क्या किया है, कोई खास ऐसी चीज जो आपने न्यू ईयर वाले दिन की हो, कुछ डिफरेंट किया हो। जैसे अक्सा ने तो भाई अपने ऑफिस वर्क में और अपनी स्टडीज में और थोड़ा बहुत सो के गुजार दिया, तो अक्सा ने भी अपने बारे में बताया है और मैंने भी जो है वो बता दिया है कि अब आपकी बारी है कि भाई आप बताएं कि आपने किस तरह जो है वो न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया है। यार अनफॉर्चुनेटली अब की बारी न्यू ईयर मेरा इसी तरह गुजरा कि मैंने प्लान तो किया हुआ था कि हम लोग थोड़ा कहीं आउटिंग के लिए निकलेंगे, लेकिन मेरी अम्मी ने मना कर दिया था कि भाई कोई जाने की कहीं जरूरत नहीं है। तो हमने इवन के ये भी प्लान किया था कि चले अम्मी ने कहीं बाहर से जाने से मना किया तो हम छत पे चले जाएंगे, लेकिन अम्मी ने कहा नो, छत पे भी नहीं जाना, कोई कुछ नहीं करेगा, जिसको जो सुनना है घर बैठ के सुना है। तो मैंने अपने कमरे में, मैंने भी अक्सा की तरह घर में बैठ के ही शोर शराबा सुना है। अच्छा। और वो जो पटाखों की आवाज सुनी है। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास, मैं एक नाम मिस कर रहा था, अरीना खान है, उन्होंने भी हमें न्यू ईयर विश किया था और अपने बारे में बताया था, उन्होंने भी घर पे बैठ के सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। तो अरीना खान बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका ये साल भी बहुत अच्छा गुजारेगा। आमीन आमीन। तो इरम एक काम करते हैं कि अब हम जरा अपने लिसनर से इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले किसी शो में और किसी कैरेक्टर के साथ। अब की बार हम लोग कोई कैरेक्टर नहीं कर सके, लास्ट टाइम जो हीरा साहब का हमने कैरेक्टर करवाया था तो वो इतने ही अभी लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि वो अभी तक हमें उस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी बहुत अच्छा शो था। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से कोई अच्छा सा कैरेक्टर ढूंढ के अगले शो के लिए लेके आते हैं। जब तक आप लोग हमें सुनते रहिएगा रेडियो सबका साथ पे, जो प्लेटफॉर्म है नई सुबह का उस पे आप हमें यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा NAISUBAH, और वहां पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाए। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और अब मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो मेरी जानिब से भी आप तमाम लोगों को अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। सुनो सुनो।
इसी तरह लिसनर्स मेरी तरफ से भी आप तमाम को अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।